चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड जो बुक्स है उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज हमें बात करनी है पहले अध्याय के बारे में। इसके पहला अध्याय क्या है इसमें? सत्ता की साझेदारी है। वैसे हमेशा याद रखिए, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए ही ये बुक्स जरूरी नहीं है। आम लोग जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से कि आपका काम, वोटरों का काम कितना रह गया है, केवल वोट देना, सरकार बनाना क्या करना, ये सभी विधायकों पर निर्भर है या फिर सत्ता पक्ष के। क्योंकि आपने देखा है कई जगह आप देखते हैं कि आपने वोट दिया एक पार्टी को, वो जाके मिल गया आपका विधायक दूसरी पार्टी से, यानी कि आपके वोट का क्या महत्व है? कुछ नहीं, समझ रहे हैं? आपने बस वोट दिया, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो उस पर निर्भर करता है। तो लोकतंत्र पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने लगता है कि जब वोट का कोई मतलब ही नहीं है तो लोकतंत्र किस बात का। तो इस तरह की आपको चैप्टर यानी कि इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। सत्ता की साझेदारी पहला अध्याय है हमारा। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी, यानी कि कक्षा 9वीं में हम लोगों ने एक बुक्स खत्म की है, लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट। इसे भी अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों का घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता की बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता की बंटवारे की जरूरत क्यों है। इससे हम सत्ता की बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। एक बात आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने इतना अच्छा अच्छा काम किया था, हमारी प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपने देखा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्हीं के समय हुआ है, और आपने देखा है कि बांग्लादेश आजाद हुआ था उन्हीं के समय हुआ है। उनके कई ऐसे काम रहे हैं जो उल्लेख मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने देखा है 1975 से 77 जो आपातकाल लगाया उन्होंने, इसमें उनकी छवि खराब हो गई थी। तो समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ के नेता मतलब बड़े विचित्र टाइप के। आप देख रहे हैं कि सरकार बनाना गिराना, अभी कोई कल ही परसों ट्विटर पर डाल रहा था कि मेरे सांसदों ने अच्छा काम किया है भारत में। आपने देखा है लॉकडाउन के संदर्भ मतलब लॉकडाउन जब से जब तक चला कोई सांसद रोड पर दिखा? गरीब मरता रहा, असहाय मतलब जिसके पास सुविधाएं नहीं थी वो मर रहा है, रोड पर बच्चे को जन्म दे रही है महिला, आपने देखी होगी पिक्चर्स वायरल भी हो रही थी। तो क्या एक यही लोकतंत्र है? जिन्होंने मतलब आपको नेता बनाया, अभिनेता बनाया, वही आज पिस रहे हैं उस दलदल में, वही मारे जा रहे हैं सबसे। तो ये लोकतंत्र तो नहीं हो सकता है ना। इससे बेहतर है कि राजतंत्र, ठीक है, कम से कम राजा मतलब अपना धर्म तो निभाता है। अभी आपने जापान का देखा है, जापान का, इटली का देखा है, या कई जगह ऐसे मतलब देखे हैं आपने कि मतलब वहां के राष्ट्र प्रमुख हो, फिर राजा हो या प्रधानमंत्री हो, आंखों में आंसू मतलब रोड पर चलते रहे जब तक कि जनता को राहत की सांस नहीं मिल गई। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक देखिए, सांसद देखिए, फिर लोकसभा के सदस्यों या राज्यसभा के, सभी घर में बैठे रहे। एक नाम सुना होगा आपने, सोनू सूद, एक कितना अच्छा काम किया। शायद मुझे लगता है कि अगर इसकी जगह सभी विधायक MP MLA अगर करते तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी भूख से मरता है या किसी महिला को इस तरह की नौबत आती कि रोड पर बच्चे को जन्म देने की नौबत आती। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपके लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है, क्योंकि जब हमारा वोट का कोई महत्व ही नहीं है तो मतलब क्या है वोट देने का। तो देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फैले में इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष आपका 40% लोग
बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और इनमें से 20% जो लोग हैं 20% ये डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका। आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका। द्वीपीय श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही श्रीलंका है, आपने सुना होगा भगवान श्री राम यहाँ गए सीता माँ को लेने के लिए, वही है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिणी एशिया में अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% यानी कि 74% है कुल जनसंख्या में इनका। फिर तमिलों का नंबर आता है, इनकी आबादी कुल 18% है। तमिलों में 2 समूह हैं आपके, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से लोगों को यूरोप अमेरिका बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाकर तो अक्सर लोग वहीं बस जाया करते थे, तो ये वहीं बस गए, उन्हीं की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल लोग मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों की का हिस्सा आपका 7% है और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। आपको अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं, इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव यह था कि से देश बट जाता ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। यहाँ कुछ पॉइंट है आपके, इन्हें भी देख लीजिए। बेल्जियम के समुदाय, ये आपके बेलोन फ्रेंच भाषी बोलते हैं वो हैं, ये आपकी जर्मन भाषी और ये आपके हैं बेलोन फ्रेंच भाषी सॉरी डच भाषी बोलते हैं उनका क्षेत्र। एथनिक या फिर जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी फिर राष्ट्रीयता एक हो। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र को देखें तो इनके किस इलाके में विभिन्न समुदाय की सघन आबादी नजर आती है। श्रीलंका में बहुसंख्यक बात की बात करें अगर हम लोग, सन 1948 में श्रीलंका आपका राष्ट्र बना, स्वतंत्र राष्ट्र। आप जानते हैं हमें भी 1947 में जाकर आजादी मिली हुई थी। ये सभी देश पहले ब्रिटिश उपनिवेशक थे, मतलब ब्रिटिशों यानी कि अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम भी उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें के तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र
राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में संगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनके बेगानेपन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी संगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी कि उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर उनके मन में कोई इस तरह की सुरक्षा के विचार नहीं है राजनेताओं की। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। ये आप देख रहे हैं श्रीलंका है, ठीक। जापना, टिंको माली, बट्टी कालोआ, ये कोलंबो राजधानी। इसमें आप सिंगली देखेंगे। श्रीलंकाई तमिल की अगर बात करें हम लोग, तो ये आपके हैं भारतवंशी तमिल, और ये आपके देख रहे हैं ना, ये हैं आपके मुसलमान। कौन है? मुस्लिम। ये है मुस्लिम, ये आपके हैं सिंगली, उसके बाद ये हैं आपके श्रीलंकाई तमिल, और भारतीय अगर तमिलों की बात करें हम लोग यहाँ, तो ये हैं आपके भारतीय तमिल, ठीक है। बहुसंख्या संख्यक बात, यह मानता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या फिर इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यक का मतलब है कि एक जगह आप देख सकते हैं कि मुसलमान कम है और हिंदू वहां ज्यादा है, तो उन्हें जो हिंदू होंगे उन्हें बहुसंख्यक बोल देंगे आप लोग, और जो कम होंगे उन्हें अल्पसंख्यक कह देंगे। कई जगह आपने देखा है भाषा और संस्कृति के नाम पर भी, भाषा और जनसंख्या के नाम पर भी आप लोग बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में बांट सकते हैं। अल्पसंख्यक की परिभाषा आप देखिए कि संविधान में कहीं भी इस तरह की परिभाषा नहीं दी गई है, ना ही इन्हें परिभाषित किया गया है कि कौन लोग अल्पसंख्यक होंगे, कौन आपके बहुसंख्यक होंगे। श्रीलंकाई तमिल में तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष भी किया है। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन भी बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बढ़ते टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में पलटा हो गया। किसमें? गृह युद्ध में बदल गया है दोनों समुदाय के बीच झगड़ा। परिणाम स्वरूप धन पक्ष के हजारों लोग इसमें मारे गए, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि 10वीं कक्षा अर्थशास्त्र की पाठ पुस्तक की पहले अध्याय की, हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा, पर वहां की गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई, और 2009 में से इस गृह युद्ध का अंत हुआ। कब? 2009 में आकर। बेल्जियम की अगर बात करें हम लोग साझेदारी की, तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 से 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए आप दुख देख सकते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द
कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व भी है। फ्रेंच वासी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया है, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है। अगर हम लोग गृह युद्ध की बात करें तो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे हम लोग गृह युद्ध कह देते हैं, यानी कि वहीं की जनता का अपनी सरकार के प्रति रोष। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राम में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी दो भाषाओं यानी कि फ्रेंच और डच में दी गई है। ये देख रहे हैं आप लोग। एक बात आप लोगों को पता होगा कि आपके यहाँ से जब हिंदू पाकिस्तान गए तो अब ना के बराबर बचे हुए हैं पाकिस्तान में, तो यही पाकिस्तान जो श्रीलंका में हो रहा था यही पाकिस्तान में हुआ, कि मतलब उनका जो अल्पसंख्यक थे हिंदू उनका ख्याल नहीं रखा गया, उन्हें या तो अपने धर्म में परिवर्तित करवा दिया गया है मुस्लिम में, या फिर उन्हें मार दिया गया है, समझ रहे हैं। तो इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं कि जहां एक समुदाय की सुनी जा रही हो दूसरा समुदाय सभी तरह की सुविधाओं से वंचित हो। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ बेल्जियम की बात एक तीसरे स्तर की भी सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार भी होता है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। कुल बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम भी लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स उसका मुख्यालय चुना गया है। ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद। याद रखिए अब आपका यूरोपियन यूनियन में आपके 27 देश बचे हुए हैं। पहले आपके 28 थे लेकिन अब यूके के निकल जाने के बाद इसमें 27 देश बचे हुए हैं यूरोपीय संघ में। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़े और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरन जमा करें। पांच छात्रों के दो समूह एक साथ यह काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। एक बात याद रखिए हमेशा आप लोग, इस तरह के जो भी आपके क्रियाकलाप हुआ करें उन्हें पढ़ लिया करिएगा, बस निकल जाया करिएगा, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाया करिएगा, क्योंकि आप जितना दिमाग लगाएंगे आपके पास प्रैक्टिकल करना मुमकिन भी नहीं है। ठीक है, इतना समय नहीं आपकी प्रैक्टिकल करते हुए बैठे रहें, तो इन्हें पढ़िए और उसके बाद निकल जाइए, यही इसमें कर सकते हैं आप लोग। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। आप अपने देश से ही ले सकते हैं। अगर आप सोचिए कि आपके देश में अगर कोई सरकार आए, या वो हिंदुओं को या फिर मुस्लिमों को या ईसाई जो भी आपके यहाँ धर्म है उनको महत्व ना दें, तो आप समझेंगे कि मतलब देश में एकता भी नहीं रहेगी और गृह युद्ध की भी स्थिति बन सकती है, समझ रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं जर्मन इंजीनियर का बेहतर नमूना। सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों जरूरी है? इस तरह सत्ता की बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को काफी को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता
अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसे आप लोग जब 1947 में आपका आजाद हुआ देश, तो आपने देखा होगा कि जब नेहरू मंत्रिमंडल की गठन हुआ, सरकार बनी, तो आपने देखा है उसमें सबको महत्व दिया गया था, यानी कि सबको जगह दी गई थी। फिर चाहे आप लोग भीमराव अम्बेडकर को देख लीजिए, फिर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को देख लीजिए। नेहरू जी से इनके मतभेद थे, आपसी नहीं थे, मतलब कई विचारों को लेकर इनके मतभेद बने रहते थे, फिर भी उन्हें जगह दी गई है, समझ गए। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत दिया गया। वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों ने में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों का अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर रहकर सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा एक बात कि जो आप एनडीए देखते हैं, ये एनडीए का मतलब बीजेपी नहीं है, एनडीए का मतलब है कि इसके जो भी सहयोगी दल हैं उनको मिलाकर एक संघ बना हुआ है, जिसे आप लोग एनडीए कहते हैं। यूपीए का मतलब आप सोचिए कांग्रेस अकेली नहीं है, कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्हें मिलाकर यूपीए कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि कई बार आपने देखा है अभी 16वीं और 17वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार, मतलब एक ही पार्टी को पूरी सीटें बहुमत की मिल रही है, वरना उससे पहले आपने देखा है कि बहुमत किसी भी अकेली पार्टी को नहीं मिलती थी, तो कई सहयोगी दल मिलकर सरकार बनाते थे, एनडीए पक्ष कह देते आप लोगों से। अब आपने देखा है बीजेपी को 2014 वाले चुनाव में और 2019 में जो चुनाव हुए इसमें पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, तो वो अपनी दम पर भी सरकार बनाने सकती है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वह है बात कही ज्यादा गहरी है, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि जो नैतिक तर्क है सत्ता के बंटवारे के अभूत महत्व को बताता है। युक्ति पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। एनेते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी भी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के स्कूल में पढ़ती है। वह उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं। इनके माता पिता पढ़ाई के का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनिते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है, किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक और क्यों? आप समझते हैं कि जहां लोकतंत्र होगा यानी कि अपनी भाषा में आपको पढ़ने की छूट दी गई होगी। आप समझिए कि आपके यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि आपको हिंदी में ही पढ़ना है या फिर अंग्रेजी में ही पढ़ना है, आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। आपके यहाँ आप भारत में देखें आप लोग, आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आती है तो दक्षिण भारत विरोध करने लगता है इसमें, क्योंकि उस तरफ आप देखते हैं कि हिंदी कम ही बोली जाती है, तो सबका ध्यान रखा जाता है आपके देश में। इसे ही सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। खलील की उलझन, जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाते जा रहा था, बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरू शहर में खलील नामक का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और जो माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे, वे साथ साथ रहते थे, मेल जोल होता था और पर गृह युद्ध में भी एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे की कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत भी हुए।
इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश के राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमानों के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को अपना मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता है कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। आपके यहाँ देखिए राष्ट्रपति का चुनाव तो आपके यहाँ भी डायरेक्ट नहीं होता है, आपके यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ता है, प्रधानमंत्री के जो भी लोकसभा सदस्य होते हैं वो मिलकर एक सत्ता मतलब प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं और उसमें आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री या तो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है या फिर लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या रहता है, इसमें आपकी लोकसभा और राज्यसभा की और विधानसभा यानी कि MLA विधायक ये सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुना जाता है लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जनता ही द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों या फिर चाहे राज्यसभा सदस्यों या फिर आपकी विधानसभा सदस्यों इन्हें लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को जनता चुन लेती है और आप जानते हैं कि विधायक आपके जो होते हैं ये राज्यसभा के सदस्यों को चुन देते हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र ही इसे कह देते हैं। अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए, यहाँ भी रोक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या लिखते, क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या फिर आप कुछ नया करते। वेताल विक्रम और अपने बीच कुछ समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या बेचारे विक्रम को वेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं सत्ता की समझदारी के रूप में, सत्ता की साझेदारी के रूप में। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या फिर किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना उन्हें और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में उन सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतंत्र शासन की अच्छा माना जाता है उसी को, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। सत्ता की वागडोर, पुतिन ब्रूस डेमोक्रेसी। बिलादीम सत्ता की वागडोर केवल हमारे हाथ में है। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गईं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण में क्या संबंध है, यहाँ जिस चीज की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में आप कुछ कार्टून जुटा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए नॉर्मल सी कि चाइना में आपने देखा है, आप नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र है क्योंकि आपके पास वहाँ पार्टी मतलब एक ही पार्टी वन पार्टी है वहाँ और आपके पास वोट देने का
कोई मतलब भी नहीं है वहां चुनने का, क्योंकि आप सोचिए एक बात हमेशा याद रखिए कि एक रेस चल रही है, उसमें आप अकेले दौड़ रहे हैं, तो जीत और हार का क्या मतलब है? उसे आपकी दौड़ को देखने के लिए लोगों का क्या मतलब है? क्योंकि जीतना आपका है और हारना आपको है, मतलब आप ही जीतेंगे उसमें, अकेले दौड़ रहे हैं ना। तो यही है चाइना का हाल, कि चाइना में क्या है कि मतलब एक ही पार्टी है, तो आप वोट दीजिए या ना दीजिए, सत्ता में वही आएगी। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ विचलित उदाहरणों पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षेत्रीय वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधायिका का क्या काम है, विधि यानी कि कानून बनाना, कार्यपालिका का उन्हें लागू करना, न्यायपालिका का मतलब है कि आप जानते हैं न्याय करना। इनके सबके अभी अपने अपने काम बटे हुए हैं। यह दूसरे पर अंकुश रखता है, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में कक्षा 9वीं की कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कह सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि न्यायपालिका में जो सदस्य, मतलब जो भी आपने देखा है कि चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, तो ये संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन संसद में आप देखते हैं राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, इन तीनों की मिलीभगत रहती है। एक तरह से ये भी नहीं कह सकते हैं आप लोग कि पूरी तरह से इनका ही नियंत्रण है न्यायपालिका पर, एक नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या फिर केंद्र सरकार कहते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि केंद्र सरकार आपके यहाँ पर एक राज्य सरकार होती है, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में यह नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से बात भी करेंगे। फिर आपका सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में विचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे और अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करती हैं। याद रखिए 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ, 1950 तक आपने देखा है कि आपके यहाँ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन कहते हैं कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुसंख्यक यानी कि एक से अधिक पार्टियों में का गठन होने का मतलब है कि आपके नेहरू जी का योगदान रहा है।
क्योंकि कई नेताओं इसमें इसके पक्ष में नहीं थी, वो चाहते थे कि एक ही पार्टी रहे हमारे भारत में। लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि मतलब बहुसंख्यक कई पार्टियां होनी चाहिए, जिससे कम से कम जनता के आगे विकल्प तो रहेगा कि कांग्रेस भ्रष्ट हो चुकी है तो आप बीजेपी को वोट दें, अगर दोनों ये पार्टियां आपके मन की नहीं है तो तीसरी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होती है उसे भी आप अपना वोट दे सकते हैं, तो तब तो आपके वोट का कोई मतलब रहेगा, वरना आप सोचिए कि कांग्रेस अकेली होती तो क्या मतलब था, आप वोट देते या ना देते, वो चुनी जाती। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंद्वता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी हम लोग सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या फिर नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। आपने यूनियन देखे होंगे, आप मजदूर यूनियन, किसान संगठन, तो इन्हीं की बात की जा रही है। इकाई तीन में हम राजनीतिक दल और दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्य प्रणाली पर भी गौर करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। सत्ता के बंटवारे के लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता साझेदारी की चार श्रेणियों में से किस में आते हैं, या सत्ता का साझा कौन कौन किससे किसके साथ कर सकता है। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे मुंबई के साथ अनाथालयों के लिए 2000 बच्चों के रखरखाव में सुविधा करें। कनाडा के ओंटेरियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दी है। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करें। रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस और लिबरल यावलो को मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों को विलय का फैसला किया है। इसका प्रस्ताव अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। यह भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। आपने देखा है कि आपने यहाँ राजस्व का जो बंटवारा होता है वित्त का, इसके लिए चुनाव एक आपका वित्त आयोग बनाया गया है संविधान में, इसी के तहत आपने देखा है आपके वित्त का बंटवारा होता है राज्य सरकारों के बीच और केंद्र सरकार के बीच। आपने ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई थी, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए, जब जरूरत पड़े तो उससे भी एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक, तो ये था आपका पहला अध्याय। अगले अध्याय में हम लोग बात करेंगे संघवाद के बारे में, संघवाद। ठीक है।